Hello students, so in today's lecture we will see about the strict alteration approach, that is also known as turn variable. So what is a turn variable? Let's see that. Turn variable or strict alteration approach is the software mechanism implemented at user mode. So there are two modes in an operating system. The first one was kernel mode and the second one was user mode. So this turn variable or strict alteration is always implemented in the user mode, and it is a very busy waiting solution which can be implemented only for two processes. So in this approach, a turn variable is used which is actually a lock. So इसका मतलब क्या होता है? Last class में जो हम लोग देखे थे वो change room वाला example. In that we have seen that there is a boy and a girl who wants to go to the trial room. And just like this one there, wait, let me show you the last slide. So this is the trial room, this is the trial room, and here this is a vacant, and in previous one it is empty, or it is let's see that also, this is occupied. So yahan pe vacant aur occupied kya batla raha hai? Ye batla raha hai iska state, yani ki kya ye abhi busy hai ya fir ye abhi use karne ke liye blank hai. तो दैट इज़ द लॉक. तो जब हम वहाँ पे लिख रहे हैं ऑक्यूपाइड, तो वो एक हम क्या कर रहे हैं, हम एक लॉक लगा दे रहे हैं कि दैट मीन्स दैट अनटिल अनलेस दिस ऑक्यूपाइड इज़ नॉट रिमूव्ड, इट इज़ नॉट चेंज टू द वेकेंट वन, वी कैन नॉट यूज़ दैट चेंजिंग रूम. सो इसी तरह का जो लॉक लगाते हैं वही बोलते हैं इसको हम लोग टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन. तो ये लॉक रहता है. सो दिस अप्रोच कैन ओनली बी यूज फॉर ओनली टू प्रोसेसेस. So boy one and girl one का जो example था similarly like that, and in general let the two processes be PI and PJ. So let's see the this with the help of example. So they share a variable called turn variable. So what is this turn variable? This turn variable is the variable which is used to lock the resources or lock the process. Okay. So the pseudo code of the program can be given as follow. So for process PI, this is the first process. फर्स्ट प्रोसेस के लिए क्या हो रहा है? दिस इज द एल्गोरिदम नॉन सी एस वाइल टर्न नॉट इक्वल टू आई. दैट मीन्स कि जो ये आई और जे का इंक्रीमेंटेशन चल रहा है, तो ये जब तक आई नहीं होगा तब तक क्या है, क्रिटिकल सेक्शन फॉलो करेगा और टर्न जे होते जाएगा. मतलब ईच आइट्रेशन में क्या होना है कि हमें जब तक आई नहीं होता है तब तक हम लोग क्रिटिकल सेक्शन को ही फॉलो करेंगे एंड टर्न का वैल्यू जे में कर देंगे, और उसके बाद नॉन सी एस से वट इज दिस सी एस, दिस क्रिटिकल सेक्शन नॉन क्रिटिकल सेक्शन. तो ये सब ये लेट मी यूज डिफरेंट कलर्स. सो दिस इज द नॉन क्रिटिकल सेक्शन, दिस टू कोड्स आर नॉन क्रिटिकल सेक्शन, एंड द कोड विथ ग्रीन कलर इज द क्रिटिकल सेक्शन. सो व्हेन डज द क्रिटिकल सेक्शन वर्क, क्रिटिकल सेक्शन कब कब काम करेगा? इट विल वर्क ओनली व्हेन अनटिल एंड अनलेस टर्न इज नॉट इक्वल टू वन. मतलब ये टर्न का वैल्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू वन, और उसके बाद इस आइट्रेशन में ही हम लोग क्या करें, टर्न का वैल्यू को जे से इनिशियलाइज कर रहे हैं. तो दैट मीन्स जिस बार भी जे का वैल्यू आई के बराबर हो जाता है, जे का वैल्यू आई के बराबर हो जाता है, तो दैट टाइम टर्न इक्वल टू वन हो जाएगा. तो टर्न इक्वल टू वन होगा तो ये क्रिटिकल सेक्शन नहीं रन करेगा, ये लूप के बाहर आके नॉन क्रिटिकल सेक्शन एज इट इज रन करेगा. सो दिस इज द स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन अप्रोच. लेट सी द एल्गोरिदम और द सुडो कोड फॉर द सेकेंड वन, दैट इज द पीजे. तो पीजे में क्या हो रहा है, हेयर इज अ नॉन क्रिटिकल सेक्शन, हेयर इज ऑल्सो अ नॉन क्रिटिकल सेक्शन, और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जे पिछले बार आई का था, पी आई का. सो वी वर चेकिंग फॉर टर्न नॉट इक्वल टू आई. अब यहाँ पे क्या करना है, इन केस ऑफ दिस पीजे वी विल चेक फॉर टर्न नॉट इक्वल टू जे. अब जब तक जे नहीं होगा तब तक सिमिलरली वो क्रिटिकल सेक्शन पे चलेगा, और हर इटरेशन पे टर्न का वैल्यू आई होगा. जैसे लास्ट में जे हो रहा था, इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द टर्न विल बी इक्वल टू आई. ओके. सो द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द लॉक वेरिएबल अप्रोच वॉज द फैक्ट दैट द प्रोसेस वॉज एंटरिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन ओनली वेन द लॉक वेरिएबल इज वन. तो ये जो एज वी नो दैट वन इज ऑलवेज ट्रू एंड जीरो इज फॉल्स, तो इस केस में क्या था, यहाँ पे जब वैल्यू वन था, ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम्पल को ही कीपिंग इन माइंड वी आर लर्निंग दिस टॉपिक. सो ये जब वन था तो उस टाइम पे क्या होता था, तभी क्रिटिकल सेक्शन में ये एंटर कर सकता था,
लेट सी वन मोर टाइम. द एक्चुअल प्रॉब्लम ऑफ द लॉग वेरिएबल अप्रोच वॉज दैट द फैक्ट द प्रोसेस वॉज एंटरिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन ओनली वेन द लॉग वेरिएबल इज वन. तो जब यह वन है तो यहाँ क्या होता था, प्रोसेस एंटर कर सकता था, दैट इज इट इज एलिजिबल टू एंटर टू द रूम. सो मोर देन वन प्रोसेस कुड सी द लॉग वेरिएबल एट एज वन एट द सेम टाइम, हैज द म्यूचुअल एक्सक्लूसन वॉज नॉट गारंटीड हेयर. तो यहाँ क्या, ये वन का जो स्टेटस है ये तो एन नंबर ऑफ यूजर्स और एन नंबर ऑफ प्रोसेस इसको देख सकता है कि दैट मीन्स दैट दिस सी पी यू दिस इज जस्ट लाइक अ सी पी यू. अभी यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं चेंजिंग रूम का, बट इट इज़ सेम टू द सी पी यू. सो जब तक उसे पता चलेगा कि यार सी पी यू पे वन है, दैट मीन्स इट इज़ द वेरिएबल इज़ वन, लॉक वेरिएबल इज़ वन. सो वहाँ पे कोई दूसरा जो भी प्रोसेस है वो एंटर नहीं कर सकता. सो इन दैट केस ये म्यूचुअल एक्सक्लूसन का जो केस होता था वो नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है. सो दिस प्रॉब्लम इज़ एड्रेस्ड इन द टर्न वेरिएबल अप्रोच एंड नाउ अ प्रोसेस कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन ओनली इन द केस व्हेन द वैल्यू ऑफ द टर्न वेरिएबल इक्वल टू पीआईडी ऑफ दैट प्रोसेस. पीआईडी क्या होता है, दिस इज द प्रोसेस आईडी. तो प्रोसेस आईडी के बराबर का और द वैल्यू जो होता है, व्हेन द वैल्यू विल बी इक्वल टू द प्रोसेस आईडी वैल्यू, तो उस केस में क्या होगा, ये तभी एंटर कर सकता है कहाँ पे, क्रिटिकल सेक्शन में. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. सो देयर आर ओनली टू वैल्यूज पॉसिबल फॉर टर्न वेरिएबल, आई और जे, एंड इफ इट्स वैल्यू इज नॉट आई देन इट विल डेफिनेटली बी जे, ठीक है. तो जैसे हमारे पास होता है वन एंड ज़ीरो, ये दो बाइनरी बुलियन होता है मेरे पास नंबर, और बाइनरी नंबर भी कैन से दैट. तो क्या होता है कि अगर वन है किसी एक प्रोसेस का वैल्यू, अगर वन है तो ठीक है वो जीरो नहीं हो सकता, बट अगर उसका वैल्यू वन नहीं है तो ये कंडीशन 100% ट्रू होगा कि उसका वैल्यू ज़ीरो होगा. दैट मीन्स आइदर वन और ज़ीरो, और आइदर ज़ीरो और वन, ठीक है. तो दोनों में से कोई भी एक जो वैल्यू है और द स्टेट वैल्यू है वो ही होगा. दैट मीन्स इफ इट्स वैल्यू इज नॉट आई देन इट विल डेफिनेटली बी जे और वाइस वर्सा. सो इन द एंट्री सेक्शन इन जनरल द प्रोसेस पी आई विल नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन अनटिल इट्स वैल्यू इज जे. ओके, तो पी आई क्या होगा, जब तक वैल्यू जे है, जे का वैल्यू है, पी कैसे एंटर होगा, जब पी जे है तो इस केस में आई एंटर नहीं होगा, और इसी तरह से जब पी आई होगा तो इस केस में जे एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो अनटिल इट्स वैल्यू इज जे और द प्रोसेस पी जे विल नॉट एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन अनटिल इट्स वैल्यू इज आई. सो इनिशियली टू प्रोसेसेस पी आई एंड पी जे आर अवेलेबल एंड वॉन्ट टू एग्जीक्यूट इन टू क्रिटिकल सेक्शन. सो दिस इज प्रोसेस पी आई एंड दिस इज प्रोसेस पी जे. तो अभी मेरे पास क्या है, टर्न इक्वल टू आई. तो टर्न इक्वल टू आई में कौन एंटर करेगा, टर्न इक्वल टू आई में पी आई एंटर करता है. ओके, सो वी कैन सी दैट द टर्न वेरिएबल इज इक्वल टू आई, हेंस पी आई विल गेट द चांस टू एंटर इन टू द क्रिटिकल सेक्शन. तो पी आई क्या किया, क्रिटिकल सेक्शन जो कि क्रीम कलर से यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है वहाँ पे एंटर करके, एंड द वैल्यू ऑफ पी आई रिमेन्स वन अनटिल पी आई फिनिशेज इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तो अनटिल एंड अनलेस दिस पी आई कम्प्लीट्स इट्स वर्क इन द क्रिटिकल सेक्शन द वैल्यू ऑफ इट विल रिमेन एज वन. सो इन और यहाँ पे क्या हो रहा है, पी आई ये क्रिटिकल सेक्शन के बाहर ही वेट कर रहा है. जब इसका वैल्यू अभी आई है एंड वेन द वैल्यू विल बिकम जे, देन पी आई विल गेट आउट ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन एंड पी जे विल टेक टू द पी जे विल गेट द क्रिटिकल सेक्शन. सो पी आई फिनिशेज इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड असाइंस जे टू टर्न वेरिएबल एंड पी जे विल गेट द चांस टू एंटर इन टू द क्रिटिकल सेक्शन. तो जब टर्न का वैल्यू जे हो जाएगा तो चांस पी जे को मिल जाएगा क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करने का, दैट इज टू एंटर द क्रिटिकल सेक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ टर्न रिमेन्स जे अनटिल पी जे फिनिशेज इट्स क्रिटिकल सेक्शन. तो जब तक पी जे खत्म नहीं हो, दिस वॉज आई. तो जब वैल्यू ऑफ टर्न रिमेन्स जे अनटिल पी जे फिनिशेज इट्स क्रिटिकल सेक्शन, तो जब तक क्रिटिकल सेक्शन पी जे का नहीं खत्म होता है तब तक जो टर्न का वैल्यू है दैट विल रिमेन एज जे. सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरेशन अप्रोच SAA. So we will see the analysis of this strict in the next video. Thank you.